गाइस, आज मैंने इंस्टॉल किया है अपने डिवाइस पर एरो ओएस, जो कि एंड्रॉयड 11 के साथ में आता है। एंड आज के वीडियो में करने वाले हैं इसका रिव्यू और देखेंगे क्या कुछ चीज़ें हमें ये कस्टम रोम प्रोवाइड करती है एंड क्या कुछ चीज़ें अच्छी रहती हैं इसके अंदर, क्या कुछ चीज़ें बुरी रहती हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं रोम के अबाउट सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो ओएस का ऊपर की तरफ आपको आइकन दिखता है। उसके अलावा नीचे देखें तो एरो ओएस का आपको वर्जन दिखता है जो कि 11.0 ऑफिशियल है। एंड सिक्योरिटी पैच की बात करें तो 5 जनवरी का है, जो कि अभी तक तो लेटेस्ट था, लेकिन अब फरवरी आ चुकी है तो अब हमें कुछ दिन में फरवरी का भी देखने को मिल जाएगा कस्टम रोम्स के अंदर। एंड जो स्टेबल वगैरह होती है उनके अंदर भी देखने को मिल जाएगा, अदर डिवाइसेस पे इस पे नहीं मिलने वाला। वहीं अगर कर्नल की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको स्टार डस्ट कर्नल देखने को मिल जाता है, जो पहले मैं मतलब यूज़ किया करता था खुद। मुझे पर्सनली ये कर्नल काफ़ी अच्छा लगता था पहले के दिनों में, अभी मतलब हाँ ठीक ठाक है, काम चला लेता हूँ उससे, और बाकी कर्नल भी मैं यूज़ करने लगा हूँ धीरे धीरे। और जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये एंड्रॉयड वर्जन 11 पे चलती है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अब बात करते हैं प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन की, तो आप देख सकते हैं डिवाइस इज सर्टिफाइड, तो ये चीज़ आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है। इसके लिए आपको अलग से कोई भी बाईपास वगैरह नहीं करना, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जिसकी मदद से आप अपनी सारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी एरर नहीं आने वाला। एंड अब चलते हैं सेफ्टी नेट की तरफ, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेफ्टी नेट टेस्ट की बात करें तो ये फेल आ रहा है। दरअसल आपको फेल नहीं मिलेगा, मैंने अपने फ़ोन पे मैजिस्क इस्तेमाल किया है, कुछ चीज़ों को और मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसकी वजह से ये यहाँ पे फिलहाल फेल हो गया। लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट पास मिलेगा, यानी कि आप अपनी बैंकिंग और पेमेंट ऐप्स जो भी यूज़ करते हो वो बड़े आराम से यूज़ कर पाओगे। मैं काफ़ी सारी एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, मेरे ख्याल से 7-8 होंगी जो मैं यूज़ करता हूँ, सभी के सभी काम कर रही हैं, किसी में मुझे कोई भी एरर, किसी भी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिला है। DRM इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वाइड बैंड सिक्योरिटी लेवल L3 मिलता है। इसका मतलब आप मोस्टली OTT प्लेटफॉर्म्स पे SD कंटेंट ब्राउज कर पाएंगे, HD कंटेंट ब्राउज नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स की बात यहाँ पे आप ले सकते हो। एंड इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जिन पे ये चीज़ लागू होती है। सिक्योरिटी सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और अच्छे से काम भी करता है। मैं इसके साथ मतलब यूज़ कर रहा हूँ। एंड फिंगरप्रिंट का आपको इसमें जेस्चर भी मिल जाता है, आप अपने फिंगरप्रिंट को ऊपर से नीचे की तरफ जैसे ही स्वाइप करोगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल खुल जाएगा, नीचे से ऊपर करोगे तो आपका वो नोटिफिकेशन पैनल बंद हो जाएगा, तो वो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है। वहीं पे अगर बात करें कमी की, तो यहाँ पे हमें फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता, तो अगर आपको पसंद है फेस अनलॉक ज़्यादातर यूज़ करना तो आपके लिए थोड़ा सा डाउन साइड है, यहाँ पे आपको उसका सपोर्ट नहीं मिलता है। इन कैमरा टू API की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं Level 3 का सपोर्ट मिलता है, इसका मतलब आप गूगल कैमरा यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। बाय द वे, गूगल कैमरा के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, 3-4 वीडियो होंगे, तो आप वहाँ से देख करके अपने लिए कोई अच्छा गूगल कैमरा भी चूज़ कर सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो भी आप जरूर चेक कर सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी जो मेरी रैम यूज़ हो रही है वो 2.9 GB हो रही है, यानी कि आधी लगभग मेरी रैम यूज़ हो रही है और आधी फ्री है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपने डिवाइस पे करता रहता हूँ हमेशा, मतलब मल्टीपल एप्स वगैरह होती हैं। अभी भी मैं आपको दिखाऊँ तो देखो कितने सारी एप्लीकेशन मेरे डिवाइस में रन कर रही होंगी बैकग्राउंड में, तो इतने सारी ऐप्स को अगर हैंडल करने के लिए आधी रैम इस्तेमाल मिल रहा है तो मेरे ख्याल से बुरी चीज़ नहीं है, आप इसको काफ़ी अच्छा मान सकते हैं एंड सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। तो ओवरऑल बात करें तो रैम मैनेजमेंट भी इस रोम का मुझे ठीक ठाक लगा है। वहीं बात करते हैं साउंड क्वालिटी की, तो भाई देखो साउंड क्वालिटी मुझे इस रोम की ठीक ठाक लगी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बुरी चीज़ों के साथ में फेस करने को मिली है, काफ़ी अच्छी साउंड है। इसके साथ में आप बड़े आराम से म्यूज़िक वगैरह अगर सुनना पसंद करते हो तो सुन सकते हो, इसके साथ में कोई इशू आपको नहीं मिलेगा। बेस भी ठीक ठाक आती है, ट्रेबल वगैरह सब ठीक ठाक आती है। एंड ऐसा भी नहीं है कि साउंड काफ़ी ज़्यादा लो है, साउंड की जो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज साउंड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, तो साउंड में आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है इसी एरो ओएस के साथ। अब बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वॉल्टी और वीओ वाईफाई दोनों आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, दोनों अच्छे से काम करते हैं, मैंने दोनों यूज़ किए हैं। फिलहाल वाईफाई कॉलिंग को मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी ज़्यादा, तो मैं उसको कभी कभी बंद ही कर लेता हूँ, और वॉल्टी भी अच्छे से काम करता है। वही कनेक्टिविटी में बात करते हैं मोबाइल डेटा की, वाईफाई की, हॉटस्पॉट की, ब्लूटूथ की, तो देखो सारी चीज़ें मैं लगभग ट्राई कर चुका हूँ, हर चीज़ अच्छे से काम कर रही है और किसी भी चीज़ के साथ में कोई इशू मुझे फेस करने को नहीं मिल रहा है। तो हाँ, अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड सिग्नल स्ट्रेंथ की बात करूँ तो भाई सिग्नल स्ट्रेंथ भी मुझे ठीक ठाक इस रोम की लगी है। अभी आप देख सकते हो नेटवर्क बार मेरे तो दोनों के दोनों फुल चल रहे हैं, जियो और एयरटेल में यूज़ कर रहा हूँ। एंड वाईफाई मेरा यहाँ पे लगभग 2 ही आते हैं फिलहाल, अब 1 हो गया है, तो वाईफाई भी हाँ मुझे ठीक ठाक लगा है क्योंकि मेरा राउटर यहाँ से काफ़ी दूर लगा हुआ है तो उसकी रेंज यहाँ पे थोड़ी सी कम ही आती है। एंड अब आ जाते हैं चार्जिंग टाइम पे, तो देखो चार्जिंग टाइम की अगर बात करते हैं तो फोन आपका काफ़ी स्पीड से चार्ज होता है,
मैं लगा के चलता हूँ कि आप 3 घंटे में अपने फोन को पूरी तरह से फुल चार्ज कर लोगे 0 से 100%। ये चीज़ पर्सनली मैंने नोटिस की है, ऐप आपको दिखा रहा है उसके बेस पे नहीं बता रहा हूँ। दरअसल कल मैं जब अभी ये वीडियो बना रहा हूँ उससे एक दिन पहले फ्री था, तो मैंने वो सारी चीज़ें खुद नोटिस की तो बता सकता हूँ। एंड हाँ, बैटरी बैकअप की बात करें तो भाई बैटरी बैकअप मुझे थोड़ा सा कम लगा, मतलब दिन में 2-3 बार इसकी बैटरी ऐसे ही ड्रेन हो जाती है, तो वो चीज़ हाँ मुझे इसके अंदर थोड़ी सी कम देखने को मिली है। तो अगर आप अच्छा बैटरी बैकअप चाहते हो तो आपको आई थिंक कर्नल स्विच कर लेना चाहिए। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो आपको वहाँ पे बेहतर बैटरी परफॉर्मेंस भी मिलने वाली है। वैसे अगर बात करते हैं बैटरी की तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको लगभग 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, एंड कंबाइंड यूज स्क्रीन ऑन ऑफ की बात करें तो लगभग 26 घंटे का मिलता है, जो कि एवरेज है। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे थोड़ा सा कम लगा है बैटरी बैकअप। इतना भी कम नहीं है कि आप लोग इसको बिल्कुल ये करो अरे बैटरी बैकअप कम है, नहीं, हल्का सा कम है, आपका काम आराम से चल जाएगा। है ना, बात करते हैं गेमिंग की। तो भाई देखो, गेमिंग मैं लगभग छोड़ चुका हूँ, गेमिंग मैं नहीं करता हूँ। और हीटिंग की बात करें तो हाँ, हीटिंग अभी नहीं करता है क्योंकि दिन अभी भी ठंडे हैं। धीरे धीरे गर्मी आएंगी तब आपका डिवाइस हीट होने लगेगा, तो आने वाली जो वीडियो होंगी उनमें आपको हीटिंग के बारे में बताएंगे। फिलहाल डिवाइस हीट नहीं होता है। एंड वहीं बात करते हैं कुछ एडिशनल चीज़ों की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्चर की जो होम सेटिंग्स होती हैं उसके अंदर आपको हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसका मतलब आप अपनी ऐप्स को हाइड भी कर सकते हैं, चाहो तो उनको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा कहें तो इसके अंदर आपको ऐप लॉक भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस बस यही था इस एरो ओएस में। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई मुझे रोम काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगी है, सारी चीज़ें अच्छे से काम करती हैं, कुछ भी क्रैश वगैरह नहीं होता है। एंड मैं जो यहाँ पे ये बिल्ट यूज़ कर रहा हूँ जी एप्स वाला बिल्ट है, आप लोग चाहो तो वनीला भी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग जी एप्स वाले के साथ भी जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है जी एप्स वाले के साथ में, सारी चीज़ें मक्खन काम करती हैं। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। एंड बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो क्या कर रहे हो, बेल आइकन जल्दी से प्रेस करो ताकि आगे मेरी कोई भी वीडियो आए आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं आने वाली वीडियोस में, तब तक गुड बाय।